आई थिंक फीलिंग जेलसी, जेलस लगना ये नॉर्मल है, जेलस रहना एबनॉर्मल है. टू फील जेलसी फॉर समवन इज नॉर्मल, टू स्टे जेलस इज एबनॉर्मल, टू फील इनसिक्योर, इनसिक्योरिटी लगना नॉर्मल है. दूसरों को देखोगे कि दूसरा प्रगति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, आपको इनसिक्योर लगे कि मैं वहां नहीं हूं, मैं वहां कैसे पहुंचू, नॉर्मल है. लेकिन वैसी भावना को कल्टीवेट करते रहना वो एबनॉर्मल है. और हम एक चीज नहीं देखते ऋषि, कि दूसरों की और इनसिक्योर फील करते करते, दूसरों के प्रति जेलसी हार्बर करते करते दो चीजें होती है. एक, हम खुद को हार्म कर, खुद की शांति, खुद की खुशी, खुद की सेटिस्फेक्शन को हार्म कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऐसे भी मिलने वाला है नहीं, उसके जैसे तो हम ऐसे भी बनने वाले हैं. सही बात. अगर उसके जेलसी करके उसके जैसे बनते तो वो बन जाओ जेलस. जेलसी करके अगर उसकी जैसी गाड़ी आपको मिल जाती तो कर लो जेलस. जेलसी तो वो मिलने वाला है नहीं, जेलसी से वो तो उसके जैसे बनने वाले है नहीं. तो जेलसी हार्बर करके हम हार्म किसको कर रहे हैं, कष्ट किसको दे रहे हैं, खुद को. खुद की सेटिस्फेक्शन, खुद की खुशी, खुद की जॉय, खुद का आनंद, उसको हम जियोपडाइज कर रहे हैं, उसको हम खत्म कर रहे हैं. और दूसरी चीज ये है, जेलसी, ये एनवी, ये इनसिक्योरिटी हार्बर करेंगे ना, इससे हम खुद की डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट को डैमेज कर रहे हैं. क्योंकि जब ध्यान दूसरों पर है तो खुद पर है, जब हमेशा उसके पास क्या है वो देख रहे हैं तो खुद के पास ये देखने का टाइम ही नहीं है. वो इतने प्रोग्रेस कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, उसके पास उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, खुद के बारे में इतना सोचते तो खुद के क्षेत्र में, खुद के एरिया में आगे बढ़ जाते, हो सकता है उससे ज्यादा आगे बढ़ जाते. सो जेलसी, इनसिक्योरिटी और एनवी हार्बर करने के सबसे बड़े दो डिसएडवांटेज, एक खुद की खुशी को खत्म कर देना और दूसरा खुद के सेल्फ डेवलपमेंट को खत्म करना. तो ये व्यक्ति अगर समझ लेना कि देख के मुझसे क्या, मुझे क्या मिले, जेलस होना है, लगेगा जेलसी, इनसिक्योरिटी जरूर लगेगी, तो ये लगना स्वाभाविक है, ये लगना नॉर्मल है. बट व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट टू ओवरकम? कैसे ओवरकम करोगे? स्टार्ट ब्रिंगिंग द अटेंशन बैक टू योरसेल्फ. जैसे दूसरों पर ध्यान जा रहा है, खुद पर अटेंशन लाना जितना हम सीखेंगे, द मोर वी लर्न टू बी सेल्फ फोकस्ड, वी विल बी एबल टू ओवरकम दिस एमर्जेंसी. अदरवाइज, it's just focusing on what you